स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। दुर्ग से घटा रानी जा रहे थे तीन दोस्त, ड्राइवर अरेस्ट। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रक चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल भिजवाया। इसमें योगेश यादव ने रास्ते में दम तोड़ दिया, वहीं दो युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। पाटन थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने बताया कि हादसा बुधवार सुबह का है। पुलिस को सूचना मिली कि फुंडा चौक पाटन में ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई है। पुलिस की टीम को मौके पर भेजा गया। जानकारी लेने पर पता चला कि दुर्ग पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत अटल आवास बोरसी निवासी तीन युवक योगेश यादव 16 वर्ष, सुमित यादव 17 वर्ष और चैतन्य बाग 16 वर्ष तीनों घटा रानी घूमने के लिए निकले थे। तीनों एक ही बाइक से जा रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब जैसे ही फुंडा चौक के पास पहुंचे, सामने से आ रहे ट्रक ड्राइवर लोकेश कुमार 35 वर्ष ने अपना संतुलन खो दिया। उसने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक दूर जा गिरे। इससे उनके हाथ, पैर और सिर में चोट आई है। योगेश को काफी गहरी चोट आई थी। अधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है।